हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। यदि आपकी टाइपिंग स्पीड काफी प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं बढ़ रही है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी मिस्टेक हैं जिन्हें आप बार बार करते जा रहे हैं और जिन मिस्टेक को आप दूर नहीं करोगे तो आप कितनी भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी। इस सेशन में हम टाइपिंग की 5 मिस्टेक के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं जो हर यूजर करता ही करता है, और यह वीडियो हर उस एग्जाम के लिए है जिसमें टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो SSC, बैंक, स्टेट PCS, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं टाइपिंग की उन 5 मिस्टेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट मिस्टेक के बारे में जो मोस्टली यूजर टाइपिंग के दौरान करते ही करते हैं। यदि टाइपिंग के दौरान अगर किसी वर्ड के बीच डबल कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे OO, EE, PP आ गया है, या फिर ट्रिपल कैरेक्टर आ जाते हैं, TTT या फिर TRR आ गया है, तो इस तरह अगर आपके डबल या ट्रिपल कैरेक्टर टाइप हो रहे हैं टाइपिंग के दौरान, तो इसके पीछे ये रीजन है कि आप कीज पर ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से की को रिलीज होने में टाइम लग रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है, बस की को हिट करना है और फिंगर को वहां से हटा लेना है, तो ये करने से आपकी टाइपिंग मिस्टेक दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइपिंग मिस्टेक के बारे में। यदि टाइपिंग के दौरान आपके साथ वाली की प्रेस हो रही है, यानी जिस की को आप प्रेस करना चाहते हैं वो की टाइप ना होकर उसके आसपास वाली की टाइप होती है, इसके पीछे रीजन ये है कि आपकी फिंगर कीज सेंटर में नहीं जा रही है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कीज सेंटर में नहीं जा रही है, अंगुलियों की आप देख रहे होंगे यहाँ पर W और E के बीच में की प्रेस हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको W के सेंटर में की को प्रेस करना है। यानी या तो वह की दो के बीच में जा रही है, जैसे यहाँ पर जा रही है W और E के बीच में, E और R के बीच में कुछ इस टाइप से जा रही है, या कीज के कॉर्नर को टच कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे R पर जो फिंगर है वो कॉर्नर को टच कर रही है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल किसी भी वर्ड के सेंटर में आपको टाइप करना है। यदि कॉर्नर को टच कर रही है जिससे दूसरी की प्रेस हो जाती है, अगर आप यहाँ पर R टाइप कर रहे हो और आपकी फिंगर सेंटर पर हिट नहीं कर रही है, तो वह कभी कभी E भी प्रेस हो जाता है, तो आपको बैक स्पेस दबाना पड़ता है और वह आपकी एक्यूरेसी पर नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है, जिससे दूसरी की प्रेस हो जाती है, और आपको श्योर करना है कि आपकी फिंगर पोजीशन बिल्कुल करेक्ट हो जिससे आप जो की प्रेस कर रहे हो आपकी फिंगर उस की के सेंटर में जाए। यदि आप अपने हैंड की पोजीशन को देखना चाहते हैं कि कीबोर्ड पर अपने हैंड की पोजीशन को किस प्रकार रखते हैं, तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को ASDF पर रखना है, देन राइट हैंड को JKLN पर रखना है। यदि आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इसके बारे में डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। और बेसिक से अपने टाइपिंग स्पीड ट्रिक के साथ इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे और भी वीडियोस बने हुए हैं टाइपिंग के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। देन हम देखते हैं थर्ड मिस्टेक के बारे में जो मोस्टली यूजर करते ही करते हैं। अगर आपके कैरेक्टर आगे पीछे टाइप हो रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डेट टाइप किया तो H पहले टाइप हो गया और T बाद में टाइप हुआ है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है तो पहले आपको श्योर करना है कि यह प्रॉब्लम कब आ रही है, जब आप स्पीड से टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं या केवल तब आ रही है जब आप स्लो टाइप करते हैं। यदि आप स्पीड से टाइप करते हैं और आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम केवल तब आ रही है जब आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपका अभी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए आपको 1 डेज या फिर 10 डेज के लिए बेसिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि स्लो में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, कैरेक्टर आपसे आगे पीछे टाइप हो रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपको कीज अभी अच्छे से रिमेम्बर नहीं है, आपको थोड़ा सा और ज्यादा टाइम आपको अपने बेसिक पर देना पड़ेगा ताकि कीज को अच्छे से याद हो जाए। हमने टाइपिंग की टॉप रो, होम रो, सिंबल्स, मेमोरिक पैड, इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया है, आप उन वीडियो को जाकर देखिए और अपनी टाइपिंग स्पीड को एनहेंस कीजिए। अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ मिस्टेक के बारे में। फोर्थ मिस्टेक है बैक स्पेस की। आपको बैक स्पेस का यूज करना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए या फिर अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की निकाल भी देनी चाहिए। जब तक आप बैक स्पेस का उपयोग करेंगे न तो आपकी कभी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और न ही कभी आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ पाएगी, तो आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना है।
जब आप लोग बोलोगे कि बैक स्पेस का यूज नहीं करेंगे तो एक्यूरेसी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है कि 2-3 दिन के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो, लेकिन उसके बाद बैक स्पेस के बिना प्रैक्टिस करने से रिजल्ट आएंगे, उससे आपके होश उड़ जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। तो आपको बैक स्पेस की का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है टाइपिंग के दौरान। देन अब हम बात करते हैं 5th और अंतिम मिस्टेक के बारे में, जो मोस्टली यूजर करते ही करते हैं, जैसे कि आपको वर्ड को कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक का यूज नहीं करना है। मोस्टली यूजर क्या करते हैं कि वर्ड को कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक का यूज करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो किसका यूज करें? आपको शिफ्ट की का यूज करना है। जब आप लेफ्ट हैंड के वर्ड को टाइप कर रहे हैं तब आपको राइट हैंड के शिफ्ट का यूज करना है। जब आप राइट हैंड के वर्ड को टाइप कर रहे हो तब आपको लेफ्ट हैंड के शिफ्ट का यूज करना है, और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। आप 1 आवर मॉर्निंग में और 1 आवर इवनिंग में टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड और बढ़ेगी। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन इज हियर टू राइट नाउ योर कमेंट। देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।